गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट कर ली थी। आज हम लोग उसके आगे एक्सरसाइज 5.8 करेंगे। चलिए 5.8 में हम लोग जो डिवाइड करेंगे वो 10 से डिवाइड करना है। देखो सारे क्वेश्चन 10 से डिवाइड करने वाले हैं, ठीक। ये डिविडेंड है, जो आंसर आता है वो क्या होता है, क्वेश्चन होता है, और जो एंड में बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर बी, 55 डिवाइडेड बाई 10। देखो मैंने यहाँ किया है ना, ये देखो 55 को 10 से डिवाइड किया मैंने। 10 फाइव जा 50, यहाँ पर 50 लिखा मैंने, माइनस कर दिया इसको मैंने, और ये हमारा 5 आया। 5 क्या है, रिमाइंडर, और ये क्या है, क्वोशेंट। तो अब हम लोग यहाँ पर पहले तो हम लोग 55 ये लिख दें यहाँ पर, ये तो डिविडेंड है, क्वोशेंट 5 हो गया और रिमाइंडर भी 5 हो गया, ठीक। अब देखो नेक्स्ट सी वाला 78। अब देखो देखो डिवाइड करने पर जब 10 से डिवाइड करेंगे तो जो लास्ट नंबर होगा, ये वाला लास्ट नंबर जो होगा वो तुम्हारा रिमाइंडर होगा, और उसके पहले जितने भी नंबर होंगे वो तुम्हारे क्वोशेंट होंगे। देखो लेकिन बात ध्यान में रखना बेटा, सिर्फ 10 से डिवाइड करने पर। 78 को 10 से डिवाइड किया, 10 7 जा 70, यहाँ माइनस किया बेटा तो हमें 8 मिला, ये रिमाइंडर हो गया, और पहले वाला नंबर क्या हो गया, 7, क्वोशेंट हो गया। तो देखो यहाँ पर मैंने 78 लिखा, 7 हमारा क्वोशेंट हो गया और 8 हमारा रिमाइंडर हो गया। अब देखो F वाला मैं कर रहा हूँ, F वाला देखो 649 डिवाइडेड बाई 10, तो 10 6 जा 60, माइनस किया तो 4 आया, 10 4 जा 40, यहाँ 9 पहले हम लोगों ने नीचे इसको नीचे ले लिया, फिर 10 4 जा 40, देखो डिवाइड किया। देखो अब देखो जो लास्ट नंबर है वो रिमाइंडर है, और पहले के दो नंबर क्या है, क्वेश्चन है ना। सिर्फ 10 से डिवाइड करने पर होगा बेटा, ये बात ध्यान में रखना। 649 64 ये हो गया क्वेश्चन, और 9 हो गया रिमाइंडर। ये वाले सारे क्वेश्चन आपको बुक में ही करने हैं, आपको इसको कॉपी पे नहीं करना है, ठीक। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग आगे वाली एक्सरसाइज भी कर लेंगे, तो छोटी सी एक्सरसाइज थी, ठीक है। चलो आगे एक्सरसाइज 5.9 है। 5.9 में हमारे पास जो है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब एक छोटी सी कहानी दी रही है, उसको हमें करना है। सारे क्वेश्चंस नहीं करने, कुछ ही क्वेश्चंस हम लोग करने हैं, जैसे 1 वाला करेंगे हम लोग, 3 वाला करेंगे, और जो मैं करूँगा बस वही कॉपी पे आप लोग करेंगे, ठीक। दूसरे क्वेश्चंस आप कॉपी पे नहीं करेंगे। एक 5 वाला करेंगे हम लोग, एक हम लोग 8 वाला करेंगे, ये 4 क्वेश्चंस हमें। चलो एक 10 भी कर लेंगे हम लोग। 84 लैक्स वर देयर इन अ हर्ड ऑफ काउज, हाउ मेनी काउज वर देयर। तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ लेग्स, टोटल कितने लेग्स हैं, 84, ठीक है। काऊ हैज 4 लेग्स, एक काऊ के पास 4 पाए पैर होते हैं, पूछा कितनी काऊ हैं, तो 4 को डिवाइड कर दो, तो हम लोग यहाँ पर ऐसे डिवाइड कर लिया, 84 को 4 से डिवाइड किया, 4 2 जा 8, ये नीचे उतारा, 4 आया, 4 1 जा 4, माइनस किया, यानी कि देयर आर 21 काउज, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। नोट कर लो तुम लोग इसको, अगर मान लो नोट नहीं कर पाए हो तो क्या करोगे, वीडियो पॉज कर लोगे, ठीक है। बट अगर मान लो कभी ढेर सारी चीज़ बोल रहा है और एक पूछ रहा है या दो पूछ रहा है, जैसे ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहाँ हम लोग जब ढेर पूछ करके कम बताना है, तो हम लोग क्या करना है, उसको डिवाइड वाला काम करना है। देखो 4 5 2 3 नंबर वाला क्वेश्चन देखो, ये 5 चिल्ड्रेन कलेक्टेड 735 फॉर अ पिकनिक, हाउ मच मनी डिड ईच चाइल्ड कलेक्ट। देखो 5 बच्चों ने इतने पैसे कलेक्ट किए, तो एक बच्चे ने किया, देखो अब डिवाइड करना, टोटल मनी कितनी है, रुपीज 735, ठीक है, और देयर आर 5 चिल्ड्रेन, तो यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 735 को 5 से डिवाइड किया, 5 1 जा 5, 2 आया, नीचे हमने 3 उतारा है ना,
फाइव फोर जा 20, फिर माइनस किया, फिर पी उतारा, फिर फाइव लिया, फाइव सेवन जा 35, तो कितना उसने सबमिट किया, वन चाइल्ड गेव 147 रुपीज़, 147, ठीक हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 नोट कर लो, अगर नहीं किया है नोट तो नोट कर लो, यहाँ पर क्या करोगे, वीडियो पॉज कर लोगे और क्वेश्चन नोट कर लोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, ए कार ट्रेवल 636 किलोमीटर इन 6 डेज, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन 1 डे। देखो 6 दिन का दिया है तो एक दिन का पूछ रहा है, डिस्टेंस कवर्ड इन 6 डेज कितने हैं, टोटल 636 किलोमीटर, तो डिवाइड कर दो इसको, 636 को 6 है, 6 वन जा 6, माइनस किया 3 नहीं जाएगा, 6 जीरो जा 0, 3 फिर ये 3 उतार 6 उतारा 36, 6 6 जा 36, माइनस किया, डिस्टेंस कवर्ड इन 1 डे 106 किलोमीटर। अब इसको भी नोट कर लो, वीडियो पॉज करो, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग, 412 मार्बल्स, अपनी बुक में क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपके पास बुक है ना, 412 मार्बल्स आर पैक्ड इन पैकेट्स ऑफ 10 ईच, हाउ मेनी पैकेट्स आर मेड एंड हाउ मेनी मार्बल्स आर लेफ्ट। कह रहे 412 मार्बल्स हैं जिनको 10 पैकेट्स में, मतलब कि एक पैकेट में 10 डाला गया है, कि कितने पैकेट बने, टोटल मार्बल, मार्बल्स क्या होते हैं, वो कंचे होते हैं ना, जिन्हें बोलते हैं 412 इन वन पैकेट, कितने 10 मार्बल्स हैं, ठीक। तो यहाँ हम लोग डिवाइड कर देंगे 412 को 10 से, 10 4 जा 40, ठीक, ये 1 यहाँ, ये माइनस हुआ 2, ठीक। अब देखो 10 4 1 जा 10 2, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे, देखो दो मार्बल बच गए, 41 पैकेट्स बन गए, ठीक है, देयर आर 41 पैकेट्स एंड टू मार्बल्स आर लेफ्ट, दो मार्बल बच गए, ठीक हो गया। अब इसको नोट कर लो आप लोग, क्वेश्चन जो रिमाइंडर है वो बच गया, ठीक है ना, वीडियो पॉज कर लेंगे, नोट कर लेंगे। चलो अब क्वेश्चन नंबर मैं 10 कर दे रहा हूँ और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। 8 स्टूडेंट कैन सिट ऑन अ बेंच, हाउ मेनी स्टूडेंट बेंचेस विल बी रिक्वायर्ड टू सिट, 656 स्टूडेंट्स। सो ठीक है, डिवाइड करना है हमें, टोटल स्टूडेंट्स 656, ठीक है, तो डिवाइड कर दो किसे, 656 को 8 से, चलो 8 8 जा 64, 1 आया 16, 8 2 जा 16, तो टोटल बेंचेस रिक्वायर्ड कितने, 82। इसको भी नोट कर लो, ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज बेटा कंप्लीट हो गई। अब हम लोग नई एक्सरसाइज में, नई क्लास में, अगली क्लास में, अगले पीरियड में मिलेंगे 5.10 के साथ, तब तक के लिए बाय।